जय मत्स्यगी। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आने देते, होने देते, ताकि वो हमारी अच्छी तरह से रचना कर सके, हमें गढ़ सके। वो हमें किस तरह से गढ़ना चाहते हैं और गढ़ना होता क्या है? क्या आप गढ़ने के लिए तैयार हो या आप हिम्मत हार जाते हो? किस तरह से परमेश्वर को करते वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यशा भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 64वां अध्याय 8 से लेकर 12 वचन। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। इसीलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा है। देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको दिल में उतारना, उसके अनुसार चलना और स्वर्ग राज के वारिस बनने के लिए आगे बढ़ना। हालेलुया। इसराइल देश के जिसके ऊपर ये पूरा बाइबल लिखा गया, इसराइल प्रजा मतलब परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की प्रजा। और इसराइल देश जो है आज 2023 की जब अगर हम बातें करते हैं तो इसराइल देश आज बहुत ही जोरदार है। इसराइल देश देखो तो आज बहुत ही पावरफुल है और अगर इतिहास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुलामी देखने वाला और गुलामी करने वाला जो अगर देश है, कोई प्रजा है, तो वो भी ये इजरायली है कि जिसने बहुत लंबी गुलामी की है, लंबे अरसे तक लोगों की गुलामी की है। इतना ही नहीं, यही एक ऐसा देश है, यही एक ऐसी प्रजा है कि ज़्यादातर उसने पूरी दुनिया की जितनी भी प्रजा है उन सभी से सतावट जो है वो सहन की हुई है। ज़्यादातर दुनिया में रहने वाली सारी प्रजाओं ने यहूदी लोगों को या इसराइल लोगों को बहुत सताया हुआ है। सबसे ज़्यादा सताए जाने वाली प्रजा वो इसराइल है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घूमने वाली या तो भटकने वाली प्रजा वो भी ये इसराइल के लोग हैं कि सबसे ज़्यादा वो धरती के इस छोर के ऊपर वो भटकते रहे। भयानक सतावट इन्होंने सहन की है, भयानक गुलामी इन लोगों ने सहन की है। हिटलर जब जर्मन में राज कर रहा था तो उसने उस वक्त तकरीबन 60 लाख यहूदियों को ख़त्म कर दिया था। 60 लाख इसराइल लोगों को ख़त्म करना, मतलब उस ज़माने में जो बस्ती थी उसका 30 गुना हिस्सा, इसराइल की जो बस्ती थी उसमें से 30 गुना लोगों को हिटलर ने मार दिया था। ऐसे ये इसराइल लोग इधर उधर भटकते रहे, गुलामी करते रहे, लेकिन फिर भी आखिर में लंबी गुलामी के बाद और इधर उधर भटकने के बाद, लंबे अरसे तक भटकने के बाद इसराइल जो है वो 14 मई 1948 में देश बन गया और उनको आज़ाद किया गया, एक देश वो बनाया गया और इसराइल को एक अस्तित्व मिला कि हाँ, इसराइल नाम का कोई देश है, इसराइल नाम की कोई प्रजा है। ऐसे उनके अस्तित्व को
शिकार किया गया। आज अगर इज़राइल की बात करें तो आज जबरदस्त लोग हैं। आज जो इज़राइल है उसके पूरे वर्ल्ड में, आज भी बहुत छोटा देश है लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड में ये जो इज़राइल है उसका बोलबाला है। अगर दुश्मन देश इनके ऊपर मिसाइल मार दे तो उसकी मिसाइल को रास्ते में ख़त्म कर देने की क्षमता पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इज़राइल के पास है। ऐसा मशीन इज़राइल के सिवा और किसी के पास नहीं है। ये सिस्टम, मिसाइल को मार देने की सिस्टम, वो इज़राइल के सिवा पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इज़राइल की जो सीक्रेट संस्था, जासूसी जो संस्था है जिसका नाम उन्होंने दिया है मोसाद, इतना छोटा देश लेकिन पूरे वर्ल्ड में मोसाद जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। और अगर कोई इज़राइल का दुश्मन है, इज़राइल का बुरा करना चाहता है, तो वो इंसान पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पर भी छिप नहीं सकता और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। अगर मोसाद ने कोई काम अपने हाथ में ले लिया तो फिर समझ लो कि उनका दुश्मन वो किसी भी देश में सेफ नहीं रह सकता। मोसाद वाले, उनके एजेंट किसी भी देश में जाकर अपने दुश्मन को बिंदास से वो लोग ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका आज महासत्ता है लेकिन फिर भी अगर अमेरिका से कुछ काम नहीं होता, अगर वो अपने कोई दुश्मन को नहीं मार सकता, तो मालूम है वो मोसाद लोगों को बोलता है कि आप हमें सहायता करो। ऐसी ये मोसाद संस्था है। 1967 में इज़राइल और अरब के बीच में एक युद्ध हो गया था जो 5 जून से लेकर 10 जून तक, मतलब सिर्फ 6 दिन ये युद्ध चला था। और ये जो युद्ध है वो 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस हो गया क्योंकि उस वक्त इज़राइल नया नया देश बना था, क्योंकि 48 में तो भी बना था और मुश्किल से कुछ साल हुए थे, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन तभी इज़राइल के ऊपर चारों ओर से, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, पैलेस्टाइन है, जॉर्डन है, लेबनान है, ये सभी लोग इनको मारने के लिए आ गए थे। और इज़राइल के पास जो आर्मी थी और इन लोगों के पास जो आर्मी थी उसमें आसमान ज़मीन का अंतर था, लेकिन फिर भी इज़राइल वालों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। और इज़राइल वालों ने उनके ऊपर हमला कर सिर्फ 6 दिन के अंदर वो युद्ध जीत लिया था। और तब से लेकर आज तक जो विरोधी लोग हैं वो इज़राइल को मारने की सोचते भी नहीं है। ये इज़राइल आज इतना वो पावरफुल है। एक बार पैलेस्टाइन के आतंकवादी लोगों ने इज़राइल जो देश है उसका एक प्लेन था वो हाईजैक कर लिया था, उसको उठा लिया था। और उस वक्त अफ्रीका में एक राजा था इदी अमीन, और वो समझो कि शैतान का जैसे दूसरा स्वरूप ही समझ लो, दिखने में भी ऐसा था और कामों में भी ऐसा भयानक था। और उसने इन आतंकवादियों की सहायता की और उसके देश में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है एनटीबी। उस एयरपोर्ट के ऊपर एक आतंकवादी को बोला कि आप जो इज़राइल लोगों को अगवा कर करा रहे हो हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपकी संभाल रखेंगे। और आतंकवादी वहाँ पर प्लेन लेकर चले गए और उन्होंने इज़राइल से कांटेक्ट किया और इज़राइल को ये बताया कि हमने आपका प्लेन हाईजेक कर लिया है, आपके इज़राइल के काफ़ी लोग हमारी गिरफ्त में है और हम उस सभी को मार देंगे। अगर उनको जिंदा चाहते हो तो जो हमारे साथी, हमारे आतंकवादी साथी जो इज़राइल की जेल में है उनको छोड़ दो।
इसराइल उनके साथ बातचीत चालू रखी। दूसरी ओर उन लोगों ने प्लान बनाया कि ये लोग है कहाँ पर, कौन से एयरपोर्ट पर है, वो एयरपोर्ट की डिज़ाइन क्या है, कहाँ से उसका एंट्रेंस है, कहाँ से जा सकता है, कहाँ से हम निकल सकते हैं, जो हाईजेक हुआ है प्लेन वो कहाँ पर रखा है। ये भी काफ़ी पुरानी बात है और उस ज़माने में भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती, तब की बात है। और मालूम है इसराइल लोगों ने सारा मुआयना किया और फिर उन्होंने दो प्लेन तैयार किए, एक प्लेन के अंदर पूरी अस्पताल और दूसरा प्लेन उसमें अपने सोल्जर्स। और पहले तो उन्होंने अपने ही देश में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि एक जो ऑपरेशन करने के लिए जा रहे वो लोग, जो काम करने के लिए जा रहे, ऐसा झूठा काम करना, मतलब वैसे आतंकवादी को खड़ा करना, वैसे लोगों को बंदी बनाना, वैसे उनके ऊपर हमला करना, मारना नहीं, एक ड्रामा करना है। और ड्रामा कितना सक्सेस होता है, किस तरह से होता है, और वहाँ पर उसी तरह से हमला करना है। और जब उन लोगों ने ड्रामा किया तो उनको एक घंटा लगा ऑपरेशन को पूरा करने में। और फिर ये लोग दो प्लेन लेकर गए और दो प्लेन लेकर गए और प्लेन जब भी हवा में जाता है तो एक मशीन होता है, एक सिस्टम होती है जिससे पता चल जाता है कौन सा प्लेन कहाँ पर घूम रहा है। तो इससे ये था, होने वाला था कि इसरा का प्लेन अगर जा रहा है तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये लोग प्लेन हमारे और आ रहे, तो हवा में भी उसको मार सकते थे। और मालूम है इन लोगों ने क्या किया कि प्लेन जो है ना, वो जो समुंदर था उसके ऊपर उड़ाया, उसको पूरा नीचे पानी से थोड़ा ही ऊपर। और ये काफ़ी गंभीर बात थी क्योंकि प्लेन काफ़ी स्पीड में चलता है, अगर पानी उछल कर वहाँ पर उसको नुकसान कर सकता था, प्लेन टूट सकता था, काफ़ी परेशानी थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने पूरा जोखिम उठाया और उनको तो ऐसा था कि इसराइल वालों ने हमारी बात मान ली है, हमारे आतंकवादी को छोड़ ही देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, और जो इदी अमीन था उसके पास, मुझे आज याद नहीं लेकिन मेरे ख्याल से BMW कार थी या तो ऐसी कोई भारी कंपनी की कार थी, और वो अपनी कार लेकर वो कभी भी एयरपोर्ट पर चला जाता था देखने के लिए। और इन लोगों ने भी ऐसा किया था कि उसके समान एक कार बना दी थी दो ही दिन में, और इदी अमीन के जैसा एक इंसान भी बना दिया था। और वो लोग चले गए वहाँ पर और वहाँ पर अचानक से हमला कर दिया, आतंकवादी हक्के बक्के से रह गए, अपने लोगों को छुड़ा कर इसराइल के लोग पूरा प्लेन लेकर अपने सारे साथियों को लेकर वहाँ से वापस मुड़ भी आए। जब उन्होंने ऑपरेशन अपने घर में मॉक ड्रिल किया था, ड्रामा किया था, तो एक घंटा लगा था, और जब हकीकत में उन लोगों ने वो काम किया तो सिर्फ 55 मिनट लगे। और 55 मिनट में सब कुछ कर सभी लोगों को छुड़ा कर जिंदा वापस आ गए। बस इसराइल का एक इंसान मर गया था, लेकिन किसी भी आतंकवादी को इन लोगों ने छोड़ा नहीं था, सभी लोगों को ख़त्म कर दिया था। सोचो ये इसराइल के लोग इतने पावरफुल है, एक छोटा सा देश, लेकिन आज वो बहुत जोरदार है। वो किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मन को वो आसानी से मार सकते हैं। इनका दिमाग इतना चलता है, कुछ वक्त पहले दो आतंकवादी थे और वो भी दूसरे देश में, कौन सा देश मुझे याद नहीं, लेकिन उस देश में वो लोग थे और उनको मारना ज़रूरी था। इनके एजेंट वहाँ पर गए और वो लोग होटल में गए थे, और मोसाद के भी एजेंट गए, बिंदास से गए, पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने दोनों आतंकवादी को गोली मार दी। अभी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस और वहाँ का कानून लगने वाला था, लेकिन जैसे इन लोगों ने मार दिया उतने में ही पुलिस आई और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर वहाँ से लेकर चली गई। अभी सभी लोग हैरान कि कितना जल्दी ये वाक्या हो गया, किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि पुलिस तो खुद आ गई थी और दोनों को जिन्होंने गोली मार दी थी उनको उठाकर चली गई थी। लेकिन जो पुलिस आई थी वो भी मोसाद के ही एजेंट थे, और वहाँ की पुलिस का ड्रेस पहनकर, वहाँ की पुलिस की गाड़ी जैसी गाड़ी बनाकर इन दोनों को गिरफ्तार कर चले गए। और इनको तो ऐसा पुलिस वाले को पता चली गया, कभी भी आएगी, अभी डेड बॉडी भी लेकर जाएगी, आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब जाकर
उन लोगों ने खोजबीन की कि अभी तक आया क्यों नहीं, क्या हुआ, आ गए वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनका प्लेन तैयार था और वो तो इसराइल चले भी गए थे। और इनकी एक खास बात है कि जब भी ऑपरेशन पूरा करते हैं ना, वैसे ही पूरी डिटेल वो लोग जाहिर भी कर देते, हमने ये काम ऐसे किया, इस तरह से किया, इतने दिन से पीछे पड़े थे, ये हम करते थे, वो करते थे, इस तरह से हमने ये ऑपरेशन जो है वो पूरा हमने कर दिया। अभी सवाल ये है कि इसराइल आज इतना पावरफुल क्यों? हालेलुया, मैं कोई इसराइल की तारीफ नहीं करने के लिए जा रहा, लेकिन आज इसराइल जो है वो इतना पावरफुल क्यों है? आज इसराइल के पास इतनी शक्ति क्यों? आज इसराइल के पास इतना सामर्थ्य क्यों? आज इसराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी क्यों? यही इसराइल प्रजा वो मिस्र देश के अंदर 400 साल तक गुलाम बनी रही थी। जब जब इसराइल के लोग गुनाह करते थे, पाप करते थे, तो परमेश्वर इनको कभी मिदान के हाथ में, कभी पैलेस्टाइन वालों के हाथ में, कभी अरामियों के हाथ में उनको सौंप देते थे, उनको गुलाम बना देते थे। लेकिन ये इसराइल प्रजा जब मिस्र देश के अंदर 400 साल गुलाम बनी रही, तब इनका कोई भी गुनाह नहीं था, तब इनका कोई भी पाप नहीं था। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला था कि अब्राहम, मैं तेरे से कौम पैदा करूंगा और वो कौम जो है वो परदेश में, दूसरे देश में ले जाया जाएगी और वहाँ पर वो लोग गुलाम बनेंगे और 400 साल के बाद चौथी पीढ़ी में मैं उनको छुड़ाऊंगा। और उस वक्त इसहाक भी पैदा नहीं हुए थे। अभी देखो ये बात अब्राहम को कही गई थी, ना अब्राहम की कोई गलती, ना अब्राहम का कोई गुनाह, इसहाक तो पैदा ही नहीं हुए थे। और परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था कि इसराइल लोग 400 साल तक गुलाम बने रहेंगे बिना किसी पाप। परमेश्वर ने उनको उनकी पैदाइश ही गुलामी में की, क्योंकि यूसुफ पहले गए मिस्र देश में, वहाँ के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को बुला लिया। जब परिवार वाले वहाँ पर आए तो वो लोग सिर्फ 70 लोग थे, कोई प्रजा नहीं थी, सिर्फ 70 लोग थे। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बढ़ते गए और 30 साल के बाद यूसुफ मर गए। यूसुफ मरने के बाद जो फिरौन था वो डर गया इन लोगों से कि लोग तो बढ़ते जा रहे, कहीं कल को ऐसा ना हो जाए कि हमारे विरोध में हो जाए, या तो हमारे ऊपर कोई दुश्मन सेना आ जाए, उनका साथ दे और हमको ख़त्म कर दे, इससे अच्छा इनको दबा कर रखो, इनको गुलाम बना दो। और इसराइल प्रजा को गुलाम बना दिया गया, कोई भी पाप नहीं था, कोई भी गुनाह नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोला था ऐसा होगा तो ऐसा हुआ। बहुत ध्यान समझना, ऐसा परमेश्वर ने क्यों होने दिया वो हम जानेंगे आगे। और इसराइल आज इतना पावरफुल क्यों है वो बाइबल से आज परमेश्वर हमको बताने के लिए जा रहे हैं। और इसके पीछे, ये वचन के पीछे हमारे लिए परमेश्वर का कौन सा राज छुपा हुआ है वो भी हम जानने वाले हैं। और इसलिए पूरे ध्यान से परमेश्वर के वचन में बने रहना। हालेलुया, 400 साल हुए, चौथी पीढ़ी थी, और चौथी पीढ़ी जो थी वो तो गुलामी में ही पैदा हुई थी, उनको तो आज़ादी क्या वही नहीं मालूम था। मूसा जो थे मैदान में थे और परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला, मूसा तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा। और मूसा मिस्र में आए और मिस्र में आकर उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। उसमें से जो सबसे पहला चमत्कार था वो तो था लाठी का सांप बनाना। चलो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात नहीं थी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन जिससे कोई परेशान हो जाए ऐसा ही चमत्कार नहीं था। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार की शुरुआत हुई और सबसे पहले जो लाठी का सांप बना उसके बाद जो चमत्कार हुआ था वो ये था, पानी का लहू। और पूरे मिस्र देश का पानी जो था वो लहू बन गया। लेकिन परमेश्वर साथ साथ में अपने लोगों का ख्याल रखते थे, अपनी जो इसराइल प्रजा जो मिस्र देश में ही, उसका एक शहर जो था जिसका नाम था गोशेन, वहाँ पर ये प्रजा रहती थी, वहाँ का पानी परमेश्वर ने लहू नहीं बनने दिया, पूरे मिस्र का पानी लहू। लेकिन जहाँ पर इसराइल के लोग रहते वहाँ पर अभी भी पानी है। फिर
फिरौन जो था उससे बोला, अरे ऐसा नहीं चलेगा, हम परेशान हो रहे हैं, वापस पानी बनाओ। तो जो लहू था उसका वापस पानी बनाया गया, लेकिन उसने इसराइल लोगों को नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने एक चमत्कार और किया। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ था वो ये था, मेढक आए समुंदर में से, नदियों में से, तालाब में से निकल निकल कर इतने मेढक आए कि उस मेढक से पूरा मिस्र देश भर गया। जो फिरौन था उसके घर में भी मेढक, अगर सब्जी बनाते अगर खोलने के लिए जाते तो मेढक गिर पड़ता है अंदर, खाए तो कैसे खाए। अगर फिरौन सोने के लिए जाता तो उसके बिस्तर में भी मेढक, सोए तो कैसे सोए, परेशान हो गए। लेकिन वहीं पर वही मिस्र देश में, लेकिन गोशन में रहने वाले इसराइल के लोग, उनके वहाँ एक भी मेढक नहीं, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं। फिर वापस बोलता है मूसा को, मूसा मैं जाने दूंगा, मेढक को भगाओ। मूसा बोलता है तू नहीं जाने देने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेढक को दूर करता हूँ। और मेढक को दूर किए, ऐसे करते करते मक्खी आई, टिड़िया आई, लोगों को फोड़े निकले, आसमान से ओले गिरे, एक के बाद चमत्कार होते रहे, मिस्र के लोग परेशान होते रहे। लेकिन वही मिस्र में रहने वाले परमेश्वर के लोग, इसराइल के लोग, वो वहाँ पर बिंदास रहते थे, उनको कोई भी परेशानी नहीं होती थी, परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग रखा था। हालेलुया, ये सारी बातों को ध्यान से समझते रहना। लेकिन फिरौन ने इसराइल लोगों को नहीं जाने दिया। आखिर में परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा अब एक काम होगा, और अब ये होगा कि फिरौन से लेकर चपरासी तक के घर के जितने भी पहलौठे हैं, जो अपनी माँ की कोख से पहला पैदा हुआ है, उस सभी को मैं खत्म कर दूंगा, सभी को मैं मार दूंगा। और पूरे मिस्र देश में जितने भी पहलौठे थे सभी को खत्म कर दिया गया। लेकिन वही मिस्र में जहाँ पर इसराइल के लोग रहते थे, आज भी सेफ है, उनके किसी के घर में कोई भी मौत नहीं हुई। इस बार फिरौन वो काफ़ी दुखी हो गया, आधी रात को बुलाया मूसा को, मूसा हारून इधर आओ, जल्दी से निकलो, लेकिन मुझे आशीष दे कर जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से। और मूसा ने सभी को बोला चलो निकलते, लेकिन निकल कर जाए कहाँ। परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर हम कहाँ जाए, परमेश्वर बोलता जो रास्ता समुंदर की ओर जाता है उस रास्ते पर चले जाओ। और मूसा सभी को लेकर समुंदर के रास्ते चले गए। अभी रास्ता ऐसा था कि समुंदर पर खत्म हो जाता था, समुंदर से आगे कोई रास्ता नहीं था। और परमेश्वर दिन में एक बादल का खंभा बनकर और रात में आग का खंभा बनकर इनके साथ रहते थे। सभी लोग 400 साल के बाद आज़ाद होकर बहुत खुशियां मना रहे थे, आनंद कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना कर रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे कि हम लोग सच में आज़ाद हुए, बिना लड़ाई बिना तलवार उठाए, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया। और सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक लोगों की निगाहें गई तो दूर दूर से जैसे धूल जो है, मिट्टी जो है उड़ रही है, जैसे ऐसा लगता है कोई बड़ी सेना आ रही है, घोड़े हाथी पर बैठकर बहुत लोग आ रहे हैं। ध्यान से देखा तो पता चला फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा है। इसराइल के लोग डर गए, मूसा को बोले गए मूसा ये सेना आ रही है, घोड़े के ऊपर सवार होकर, हाथी के ऊपर सवार होकर बहुत स्पीड में आ रही है, इनके पास आगे जाने का रास्ता नहीं, आगे समुंदर पीछे सेना, रास्ता भी लंबा नहीं है, अभी मुश्किल से एक मिनट बाकी है कि एक मिनट के भीतर वो लोग इनके ऊपर हमला कर देंगे। सभी लोग डर गए, करें तो क्या करें, कैसे करें, बचाया कैसे जाए। तो मूसा ने कहा ए परमेश्वर, परमेश्वर ने मूसा को बोला ए मूसा मुझे क्यों पुकार रहा है, तू अभी आजाद तो हो गए, अब मुझे क्यों पुकार रहा है। मूसा ने बोला परमेश्वर देखो सभी लोग डर गए, पीछे सेना आ रही है, आगे समुंदर, हम करें तो क्या करें। परमेश्वर बोला कोई बात नहीं, तो जाग का खंभा बनकर परमेश्वर
सबसे आगे थे, वो वहाँ से पीछे की ओर आ गए जहाँ से फिरौन की सेना आ गई थी, और आग का खंभा पूरी आग वहाँ पर छा गई। फिरौन आ तो गया पास में, लेकिन आग के कारण अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी देखो इधर के लोग बिंदास है अभी, और परमेश्वर उस आग से मूसा के साथ बात कर रहे हैं। मूसा एक काम करना है, समुद्र के दो हिस्से कर दे। मूसा को क्या मालूम समुद्र के दो हिस्से कैसे होते हैं, लेकिन वो मूसा को ये भी कौन सा मालूम था कि पानी का लहू कैसे बनता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला था तो किया था ना, उनको कैसे मालूम था कि मेढक कौन सी भाषा सुनते और मेढक को बुलाओ। लेकिन मेढक ने जान लिया था ना कि मूसा बुला रहे, मूसा ने विश्वास किया, परमेश्वर बोलते हो जाएंगे दो हिस्से, और अपनी लाठी उठाई और समुद्र के दो हिस्से उन्होंने कर दिए। और बाइबल में लिखा है कि पूरब की ओर से परमेश्वर ने इतनी हवा चलाई कि वो हवा के कारण जो समुद्र का पानी था उसमें दो हिस्से हो गए। सोचो कभी आप कार की सफर करना बरसात में, और जब बरसात चालू हो तो कार का शीशा ऐसे ढलान में होता है, ऊपर से पानी गिरेगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन कार की स्पीड के कारण जो हवा लगती है ना, उस हवा के कारण जो पानी नीचे जाना चाहिए वो पानी ऊपर चला जाता है। कभी देखना हवा में इतनी ताकत होती है, और इतनी हवा परमेश्वर ने चलाई, इतनी तेज हवा चलाई कि समुंदर का पानी दो हिस्सों में बट गया। लेकिन वहीं पर किनारे पर खड़े इज़राइल लोगों के ऊपर हवा नहीं आ रही है, वो लोग तो बिंदास से खड़े। इतनी हवा में तो एक भी इज़राइल नजर नहीं आना चाहिए, सभी लोग उड़कर मालूम नहीं कहाँ पर गिरते। लेकिन परमेश्वर ने हवा की असर कहाँ पर होने दी, सिर्फ पानी में, और समुंदर के दो हिस्से हो गए। इतना ही नहीं, हवा इतनी चली कि जो नीचे की जमीन थी वहां तो कीचड़ होना चाहिए था, क्योंकि बरसों से पानी है वहां पर, तो उसको भी सुखा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर को मालूम है कि मेरे लोग चलेंगे तो फिसल जाएंगे। इतना ही नहीं, नीचे कौन सा रास्ता सही होता है, चट्टान होती है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, पत्थर छोटे बड़े होते हैं, उसमें चलना कैसा। हवा ऐसी चली ना मैदान के समान हो गया नीचे, और इज़राइल के लोग बिंदास से चलकर उस पार वो निकल गए, उस पार निकल गए। और 3 दिन 3 रात इज़राइल के लोग चलते गए। फिरौन ने देखा ये लोग उस पार निकल गए तो हम लोग नहीं निकल सकते, वो लोग भी घुस गए। तो परमेश्वर ने क्या है कि उनके जो रथ थे ना उनके पहिए ही निकाल दिए, अभी लोग भाग नहीं सकते। अभी भागना है तो पैरों से भागना है। और मूसा को बोला, मूसा समुंदर जैसा था वैसा ही कर दे, वैसा ही कर दिया। और फिरौन से लेकर उसकी पूरी सारी सेना वो समुंदर में खत्म हो गई। और इज़राइल को लोग इतने खुश, लगातार 3 दिन तक चलते रहे, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन तक पानी नहीं पिया, 3 दिन तक मेरे ख्याल से सोए भी नहीं होंगे, इतना खुश। और मरियम ने खंजरी बजाई और सभी लोग आराधना करते करते निकले। हालेलुया, ध्यान से समझना, 3 दिन हुए ना, अब इनको प्यास लगी, और प्यास लगी तो इन्होंने पानी ढूंढा, तो पानी भी मिल गया, कुआं मिल गया, लेकिन देखा पानी तो पानी को पहचाने तो जहर है इसमें। तो मूसा के आगे बोलने लगे, मूसा पानी नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं है, और जो है वो तो जहरीला है, करे क्या। मूसा ने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, ये पेड़ है उसका लकड़ा काट, उसमें डाल, पानी मीठा हो जाएगा, जहर चला गया और इन लोगों ने पानी पी लिया। लेकिन 3 दिन हो गए थे, प्यास तो बुझ गई, और फिर पता चला पेट तो और भी कुछ मांग रहा है, अभी भूख भी लगी है। ए मूसा, खाना नहीं हमारे पास। मूसा बोलता कोई बात नहीं, परमेश्वर से बात करते। परमेश्वर से बात की तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला है, चलो जल्दी से रोटी बनाओ, डालो ऊपर से नीचे, और ऐसी जगह पर डालना गंदी ना होने पाए, ताजी रोटी और अच्छी रोटी। और इज़राइल पुत्रों ने वो रोटी जो है वो खाए। हालेलुया। यहाँ पर एक सवाल है, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम तेरी अंश 400 साल तक गुलाम बने रहेगी, 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा,
अभी समझ लो ये परमेश्वर का एक प्लान था, परमेश्वर की योजना थी कि मैं 400 साल के बाद इनको छुड़ाऊंगा। अभी 400 साल के बाद इनकी गिनती देखो, बाइबल में नहीं लिखी, बाइबल में सिर्फ 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे वो, और लेवी लोगों की गिनती अलग से की थी। तो जो 20 साल से ज़्यादा थे लेवी के कुल को छोड़कर, वो लोग थे 603,550। उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, वो सब गिनो तो मेरे अंदाजे से लोग 35 से 40 लाख लोग थे। और 35 से 40 लाख लोगों को अगर परमेश्वर ने प्लान किया है कि मुझे इनको बाहर निकालना है, मुझे इनको मिस्र देश से आज़ाद करना है और मुझे उनको कनान देश में, विश्राम के देश में पहुंचाना है, वहां पर जाने में इतने इतना दिन लगेगा, वहां पर जाने के बाद इतनी लड़ाई करनी पड़ेगी, वहां पर जाने के बाद ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बीच में यरदन नदी आएगी, बीच में यरीहो का कोट भी आएगा, सब कुछ परमेश्वर को मालूम था। लेकिन उससे बड़ी बात कि अगर मैं इनको निकालूंगा तो सबसे पहले इनको तो प्यास लगेगी, तो मुझे इनको पानी पिलाना पड़ेगा। ये 2-5 लोगों की बात नहीं है, कभी शादी में जाना 500 लोग होते तो मालूम है 10 जग रखते हैं वहां पर, और फिर भी कई बार वहां पर भीड़ लगी रहती है। 35 से 40 लाख लोगों को पानी दिला देना हो तो किस तरह से दिया जाएगा, अगर एक नल है तो बारी नहीं लगेगी दूसरे की, मुश्किल से 40-50 पियेंगे तब तो वापस दूसरे को प्यास लग जाएगी, किस तरह से पानी देना, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम होना चाहिए? इनको भूख लगेगी, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम उसे इनको खाना देना पड़ेगा? सवाल यह है कि ये लोग बाहर निकले, समुद्र को फाड़कर उस पार निकले, 3 दिन 3 रात तक इनको पानी नहीं मिला, तो क्या परमेश्वर उनको पहले से मांगने से पहले नहीं दे सकते थे? क्या परमेश्वर को पता नहीं होना चाहिए कि मुझे इनको पानी देना चाहिए? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि मुझे इनको खाना देना चाहिए? जब 3 दिन तक खाना नहीं मिला, जब 3 दिन तक पानी नहीं मिला, तो जाहिर है कि ये लोग बोलेंगे कि परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए, क्योंकि 3 दिन तक पानी नहीं मिला, परमेश्वर निकाला हमको तो परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती कि हमको पानी भी दे, हमको खाना भी दे, लेकिन 3 दिन तक हमने मांगा नहीं तो परमेश्वर दिया भी नहीं, कैसे चलेगा? क्या परमेश्वर को ये बात पता नहीं होनी चाहिए? क्या हम ऐसा मान सकते कि परमेश्वर कोई बात पता नहीं होगी? है ना, परमेश्वर सब कुछ जानते, लेकिन परमेश्वर ने इनको प्यासा रहने दिया, परमेश्वर ने इनको भूखा रहने दिया, और जब जब इन्होंने मांगा तब तब परमेश्वर ने दिया। एक बार नहीं, पानी के लिए बाइबल में 3 बार लिखा है कि 3 बार इन लोगों ने मूसा के आगे परमेश्वर का विरोध किया और मूसा का भी विरोध किया, और बोले कि हमको परमेश्वर प्यासा मरने के लिए लेकर आए। 3 बार तो बाइबल में लिखा है, मालूम नहीं 40 सालों में कितनी बार इन लोगों ने ऐसा किया होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर बिना मांगे इनको क्यों नहीं देते थे? परमेश्वर को तो पता ही होना चाहिए 3 टाइम इनको खाना चाहिए, तो इनको 3 टाइम देना ही पड़ेगा, तो परमेश्वर देते क्यों नहीं थे? इनको मांगना क्यों पड़ता था? और जब मांगते थे तो परमेश्वर मना नहीं करते थे, क्रोध भी नहीं करते थे, परमेश्वर तुरंत दे देते थे। तो परमेश्वर को तो ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया क्यों? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इनको भूखा रहने दिया? क्यों परमेश्वर इनको प्यासा रहने दिया? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हम, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका 2वां वचन। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए, वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, हाँ। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और भूखा भी होने दिया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, हाँ। इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। और ध्यान समझ रख, परमेश्वर का प्लान था मैं इनको भूखा रखूं, परमेश्वर का प्लान था मैं इनको प्यासा रखूं। सोचो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? बहुत स्पष्ट,
यहोशावरण 8:2 में सारा राज जो है वो परमेश्वर ने खोल दिया। परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुझे भूखा रहने दिया, परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुझे प्यासा रहने दिया। उसका कारण था अगर परमेश्वर इनको भूखा ना रखते, इनको प्यासा ना रखते, जैसे बार चलो आप गुलामी साथ आते हो, लो अच्छा अच्छा खाना खा लो, लो अच्छा अच्छा पानी पी लो, ऐसा किया बार बार पानी पिलाते, बार बार इनको खाना खिलाते, तो इनको तो जो मिलना था वो मिल ही जाता। वो लोग मांगने वाले नहीं थे परमेश्वर से। लेकिन ऐसी ऐसी जगह पर कि जहां पर पानी नहीं होता था, ऐसी ऐसी जगह पर जहां पानी की कोई संभावना नहीं होती थी, जहां चारों ओर रेगिस्तान, जहां चारों ओर रेत, जहां कुछ भी नहीं दिखाई देता, जहां पानी की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, और ये लोग डर जाते थे मर जाएंगे। परमेश्वर प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हे मूसा हमको मरने के लिए लेकर आए, हमको पानी दो। और परमेश्वर रेगिस्तान में बताते थे, हे मूसा जाओ उस चट्टान को एक लाठी मार और पानी निकलेगा। और इनको पता चलता था कि चाहे कहीं पर पानी हो या ना हो, पानी की संभावना हो या ना हो, पानी की गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन हम जिस परमेश्वर को मानते हैं और जिस परमेश्वर हमको बाहर निकाला है, वो परमेश्वर इतने पावरफुल है कि जहां पर कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं, वहां से नदियां बहा सकते हैं। इनको परमेश्वर ने बताया, इसलिए परमेश्वर इनको प्यासा रहने दिया। अगर पानी दे तो समझ उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब प्यासे रहे, बहुत प्यास लगी, कहीं कुछ नहीं मिला, कोई संभावना नहीं, और तब परमेश्वर ने जो चमत्कार कर बताया, इनको पता चला ये परमेश्वर। जब इनको भूख लगी, इन्होंने मांगा कि हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। क्या कभी किसी ने सुना, क्या कभी किसी ने देखा कि आसमान से रोटी भी आती है और रोटी अलग अलग वो स्वाद की बनती है, उसमें से अलग अलग स्वाद निकलता है, अलग अलग टेस्ट निकलता है, क्या किसी को पता है। लेकिन इसराइल लोगों ने वो खाया, वो खुद भी नहीं जानते थे। उन लोगों ने तो अपनी भाषा में बोला ये क्या है, मतलब कि मानहूक, और उसके ऊपर शब्द आ गया मानना। ये मानना शब्द का मतलब होता है ये क्या है, ये कोई मानना नाम की कोई चीज परमेश्वर ने ऊपर से नहीं डाली थी। वो तो आज तक हमको नहीं मालूम, जो ऊपर जाएंगे तब पूछेंगे परमेश्वर जो इन लोगों ने मानना बोला था ना वो क्या था, वो तो बताओ। तब परमेश्वर बोलेंगे क्या है, अभी तो हमको इतना ही मालूम है कि स्वर्गदूतों की रोटी। लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में ये काम किया। परमेश्वर ने इसराइल लोगों को भूखा रहने दिया, उनको प्यासा रहने दिया, क्योंकि परमेश्वर उनको ये बताना चाहते थे कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, सिर्फ पानी से जिंदा नहीं रहता, लेकिन हर वो शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। परमेश्वर इनको बताना चाहते थे कि रोटी की फिक्र मत करो, पानी की फिक्र मत करो, तो मिल सकता है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। अगर उसमें जीवन होता, मानना में जीवन होता, अगर उस पानी में जीवन होता, तो आज तक इसराइल के लोग जिंदा होते। लेकिन उसमें जीवन नहीं है। जीवन किस में है, ये आसमान से जो रोटी जो प्रभु यीशु आए उसको खाने से जीवन मिलता है। ये परमेश्वर को बताना चाहते थे, परमेश्वर को सिखाना चाहते हैं कि संसार की रोटी, संसार का पानी उसको छोड़ो, लेकिन जो शब्द मेरे पिता के मुंह से निकलते हैं, जो पिता परमेश्वर के मुंह से शब्द निकलता है, जो ये बाइबल है उसमें जीवन है। हालेलुया। इस बाइबल में जीवन, परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकला उसमें जीवन है, ये दिखाने के लिए हमारे परमेश्वर ने इनको भूखा रहने दिया। परमेश्वर ने बोला था यूसुफ को कि यूसुफ तेरे भाइयों से मैं तुझे बहुत ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा, हे यूसुफ मैं तेरे माता पिता से भी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा। तो परमेश्वर ने कुछ साल इंतजार करके उसको कहीं पर जाकर मिस्र में जाकर फिरौन को बुलाए, चल फिरौन अभी तेरी जगह पर इसको बिठा। परमेश्वर कर सकते थे ऐसा, उनमें ताकत है। अगर फिर उनको ये सपना दे सकते हैं कि सात गाय आती है, दूसरी बार सात गाय आती है, सात बालू दिखाई देते, तो परमेश्वर भी दिखा सकते थे उसको कि फिर ये स्वप्न का लड़का है, चल उसको तेरी जगह दे दे, और वो दे भी देता। परमेश्वर कर सकते थे ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने तो कुछ और ही होने दिया, बताया कि मैं तुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊँगा, डाल दिया खड्डे में, बोला मैं तुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊँगा, और बना दिया गुलाम, मैं तो ऊंचाई को ऊपर ले जाऊंगा, डाल दिया जेल में। क्यों? परमेश्वर इसको कोई बताना चाहते, चाहे तू खड्डे में जाए, चाहे तू गुलाम बन जाए,
चाहे तू जेल में जाए लेकिन मेरा जो वादा है वो आज भी पक्का है, और तेरा खड्डा, तेरा तेरी गुलामी और तेरी जेल वो मेरे वचन को निष्फल नहीं कर सकती। मेरे मुंह से निकला मतलब बात खत्म। मैं तुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा तो तेरी जेल तेरे ऊपर कितना भी दोष लगाया जाए वो दोष मेरे आगे कोई काम का नहीं। मैं तुझे प्रेसिडेंट बना सकता हूं। हालेलुया। तेरे ऊपर कोई कितनी बुरी निगाहें डाले, तुझे कोई गुलाम बनाए, लेकिन यूसुफ मैंने बोला है तो मैं ये काम कर सकता हूं। मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरा खड्डा, तेरी गुलामी, तेरी जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे मुंह से जो शब्द निकले उससे मैं तुझे ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। ताकत हमारे परमेश्वर के वचन के अंदर है। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बताया, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को यह बताया कि मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसमें जीवन है। इसलिए उनको भूखा रहने दिया, इसलिए उनको प्यासा रहने दिया। परमेश्वर हमको बनाते हैं, हमारी रचना करते। ये तो हमारी माँ के पेट से हम निकल आए, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर हमको जो बनाना चाहते वो हमको बनाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुछ बनाया, उससे पहले बहुत सारी बातें मेरे जीवन में हुई और तब जाकर मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहते। आप भी जहाँ पर हो, लेकिन परमेश्वर के आपके प्रति जो योजना है उस योजना में ले जाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं लेकर आते हैं जो आप परमेश्वर की योजना से बिल्कुल विरोध में होती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपके जीवन में कुछ और भी मुश्किल आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ और मेरे जीवन में ये घटना क्यों हो गई, मैं तो परमेश्वर में इतना चलता हूँ, मैं तो परमेश्वर में इतना चलती हूँ, मैं तो इतनी आज्ञा मानती हूँ, मैं तो इतनी आज्ञा मानता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ क्यों, मेरे जीवन में मुश्किलें क्यों, मेरे जीवन में विरोध वाली बातें क्यों? नहीं, परमेश्वर आपको बना रहे, परमेश्वर आपको कुछ आकार दे रहे, परमेश्वर आपकी रचना कर रहे, परमेश्वर आपको किसी जगह के लिए आपको वो तैयार कर रहे। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहे। यूसुफ के जीवन में ऐसी ऐसी घटना बनी, उससे परमेश्वर की सही पहचान भी हो गई और पता चल गया कि परमेश्वर मुझे किस जगह पर वो लेकर जाना चाहते। इज़राइल के लोग कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ भटकते रहे, कभी वहाँ भटकते रहे, कभी गुलाम बनते रहे, कभी देश छोड़कर कभी कहाँ पर, लेकिन एक बात इज़राइल लोगों की है, उन्होंने अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। सबसे ज़्यादा लंबी जिन लोगों ने गुलामी की है, अगर मैं गिनती भी कर बताऊँगा तो आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे कि इज़राइल लोगों ने इतना कुछ सहन किया है, इतने साल सहन किया है, लेकिन फिर भी कभी उन लोगों ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको इतना मालूम था कि हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी रचना करते हैं, वो हमें बनाते हैं। और जो बाइबल में हमने पढ़ा था यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 64वां अध्याय और उसका 8वां वचन, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, और तू हमारा कुम्हार है। हालेलुया। हम क्या है? मिट्टी। और परमेश्वर हमारा क्या है? कुम्हार। तो मालूम कुम्हार किस तरह से काम करता है, किस तरह से एक बर्तन बनाता है। एक छोटा लड़का था, 12-13 साल का लड़का, आलसी बहुत तक काम नहीं करता था, सोए रहना, पढ़ाई नहीं करना, माता पिता का कहवा नहीं करना, अगर कोई काम बोलो तो नहीं करना, ऐसा आलसी था। और एक बार उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा तू अपने लिए एक कप खरीद कर लेकर आ चाय पीने के लिए, क्योंकि बच्चे लोगों की आदत क्या होती है मालूम है, उनको ये नहीं पता होता कि चाय पीनी है, कप को नहीं पीना है, चाहे किसी भी कप में चाय पियो टेस्ट हमको चाय का आने वाला कप का नहीं आने वाला, लेकिन वो कप भी पसंद करते, नहीं ये वाला कप, ओ नहीं मम्मी इसमें दो ना, कप से कुछ नहीं होता। अभी ये जो लड़का था उसको यही परेशानी होती, तो उसकी माँ ने एक बार पैसे दे जाए एक काम कर
तू खुद बाजार से लेकर आ कप जा। अभी उससे काफ़ी कप को ढूंढा, दुकानदार को पूछता भी था ये कप कैसा है, अगर देखने में सुंदर लगता तो दुकान वाला बोलता है तो अच्छा दिखने में, लेकिन इसकी गारंटी नहीं, टूट भी सकता है। आखिर में एक दुकान में पहुंचा तो जहां दुकान वाला बैठा था पूरी दुकान इससे छान मारी, कहीं पर पसंद नहीं आया। आखिर में देखा तो दुकान वाला जहां पर बैठा है उसके पास में एक बड़ा कप पड़ा है और उसका कलर बहुत ज़ोरदार था, दिखने में अच्छा था, उसकी बनावट अच्छी थी। लड़के ने मालिक से पूछा कि ये कप बेचने का? बोला बेचने का। एक सौदा लगा, पसंद आ गया, लेकर घर पर आ गया। अभी कप को इतना प्यार करता है, कप को छोड़ता नहीं, रात में कप को साथ में लेकर सो गया और रात में कप में से आवाज आई, कप में से आवाज़ आई, उस लड़के के नाम से पुकारा, ए गुड्डू। वो सोच में पड़ गया, इधर उधर देखने लगा कौन है कौन है, देखा तो कप में से आवाज़ आ रही है, कप बोल रहा है ए गुड्डू तुम उसे उस दुकान से लेकर आए? बोले हाँ। तुम उसे बहुत पसंद करता है? हाँ। मेरा कलर तुझे पसंद है? हाँ पसंद है। मेरा आकार, मेरी डिज़ाइन तुझे पसंद है? बोले हाँ। बोले मैं ऐसे ही तुझे पसंद नहीं आया? तो बोले बोले हाँ, पहले मैं आम से मिट्टी था, लेकिन एक दिन कुम्हार आया, उसने मुझे उठा लिया। मैं बोलने लगा ए मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है? उसने बोला चुप बैठ, मेरी नहीं मानी, मैं परेशान हो गया, मेरी जगह छोड़कर मुझे लेकर गया। मैं जहाँ पर बरसों से था, मेरे आसपास मेरे पहचान वाले थे, वहाँ से मुझे हटाकर लेकर गया, अपने घर लेकर गया और धीरे से नहीं रखा, ऐसे मुझे पटक दिया। इतना ही नहीं, फिर मेरे अंदर पानी डाला, ठंडा ठंडा पानी डाला। मैं बोला अरे पानी मत डाल, पानी मत डाल, मुझे ठंड लग रही है। नहीं मानी, चुप बैठ। और फिर उसे तो अंदर हाथ डाले और मुझे ऊपर से नीचे कर दिया, मुझे गूंद कर रख दिया। मैं चिल्लाने लगा दर्द के मारे, ए तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बस बस कर, बस कर। वो मेरी सुनता नहीं था, चुप बैठ क्या करता था। और फिर आखिर में मानो उसका कोई मशीन था, उसके ऊपर मुझे बिठाया और वो तो गोल गोल घूमने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। और मैंने बोला मुझे चक्कर आ रहे, बंद कर बंद कर। नहीं नहीं होगा बंद, चुप बैठ तू। उस अपने हाथ डाले और आज जो तू आकार देख रहा है ना, वो आकार मुझे दिया। यहाँ पर मेरी मुसीबत खत्म नहीं हुई, बोले। और फिर मालूम है मुझे की भट्टी में डाल दिया। मालूम मेरी जिंदगी में मैंने इतनी गर्मी कभी सहन नहीं की। और फिर वहां से बाहर निकाला, फिर मेरे ऊपर कलर डाला और आज मैं इतना खूबसूरत बन गया। आज तुम उसे पसंद करता है, लेकिन मालूम है मैं कहां से कहां तक कैसे आगे गया, कितना मैंने दुख सहन किया। हालेलुया। एक बर्तन ऐसे नहीं बनता। परमेश्वर हमारे कुम्हार है, उन्होंने इज़राइल को ऐसे ही मजबूत नहीं बनाया। आज इज़राइल ऐसे ही ताकतवर नहीं है, आज उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं है। बहुत कुछ सहन किया है उन लोगों ने, और बहुत कुछ सहन करने के बाद, काफ़ी भटकने के बाद, काफ़ी गुलामी सहन करने के बाद, आज तक उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज तक वो अपने परमेश्वर को मानते हैं। आज भी शुक्रवार शाम को 6 बजे अगर आप जाओ, शाम को 6 बजे के बाद उनका शनिवार मतलब विश्राम का दिन शुरू हो जाता है, सारी दुकानें बंद मिलेगी आपको, कोई कार दौड़ती हुई नहीं मिलेगी। आज भी जो इज़राइल के लोग हैं वहाँ पर, वो आज भी विश्राम के दिन पूरी छुट्टी मनाते, कोई काम नहीं करते। आज भी, आज भी मालूम है अब्राहम ने बोला था कि हे मेरे पिता, सदोम और अमोरा में अगर 50 धर्मी लोग मिल जाए तो क्या लोत को छोड़ दोगे, वहाँ के लोगों का नाश तो नहीं करोगे? परमेश्वर ने बोला नहीं करूँगा। अरे परमेश्वर, और 5 कम हो जाए, और 5 कम हो जाए, और 10 कम हो जाए, आखिर में 10 पर रुके। अगर 10 होंगे तो, और परमेश्वर वो 10 होंगे ना, तो अभी मैं वहाँ का नाश नहीं करूँगा। आज भी इज़हार के लोग कभी अकेले में प्रार्थना नहीं करते, जब भी प्रार्थना करने के लिए होते हैं ना तो कम से कम 10 लोग इकट्ठा हो जाते। अगर ना हो और रास्ते में कोई भी जाता हो उसको बुला लेंगे, आ जा भाई, क्यों हम 9 लोग हैं, चलो फिर बैठ जाते, काम छोड़ कर बैठ जाते वहाँ पर। कौन इतनी गुलामी सहन करने के बाद, एक देश से दूसरे देश जाने के बाद 60 लाख यहूदियों को हिटलर मार दे और फिर भी परमेश्वर उनकी ओर ना देखे, और कौन उस परमेश्वर को पकड़े रहे? लेकिन हमारे परमेश्वर, हमारी रचना करते, हमको गढ़ते इस तरह से, वो हमको कुछ बनाना चाहते, और इसलिए सारी परिस्थितियों से हमें निकलना पड़ता है। हालेलुया। अगर हम नहीं निकलेंगे
तो हमारी रचना भी नहीं होगी। कभी भी हवा चलेगी, हम गिर पड़ेंगे, टूट जाएंगे, लेकिन अगर मजबूत बनना है, अगर ऊंचाई के ऊपर जाना है, तो परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर आप मेरे कुम्हार हो, परमेश्वर मैं आपके हाथों में मिट्टी के समान हूँ, मेरे साथ जो करना है करो, जो विपत्ति में डालना, जो खड्डे में डालना, जो गुलामी में ले जाना, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे बनाओ कुछ। और बाइबल में एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, गलातिया उसका 3 अध्याय उसका 29 वचन, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर तुम मसीह के हो, मसीह को मानने वालों में से हो, तो अब्राहम की संतान हो, और अब्राहम की संतान हो तो फिर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ अब्राहम की संतान के साथ ही होता है। अब्राहम की संतान को ही परमेश्वर गढ़कर बनाते हैं, अब्राहम की संतान की ही परमेश्वर रचना करते हैं, अब्राहम की संतान को ही परमेश्वर ऐसी जगहों में, ऐसी विपत्तियों में ले जाकर उनको कुछ बनाने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। अगर बीच में थक गए, हार गए, निकल गए, तो गए काम से, लेकिन परमेश्वर हमारी रचना करते, परमेश्वर के हाथ में पड़ो, परमेश्वर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन परमेश्वर को छोड़ो मत। और देखो परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहते, कुछ ऐसी चीज बनाना चाहते, ताकि आने वाले दिनों में जो आंधी आने वाले, जो आग आने वाले, जो तूफान आने वाले, उसमें आप बिंदास से खड़े रह सको और आने वाली विपत्ति आपका कुछ बिगाड़ ना सके। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में, मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि क्या मेरे परमेश्वर जो कुम्हार है, क्या मैं उनके हाथों में मिट्टी बनकर पड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या परमेश्वर मुझे जिस तरह से गढ़ना चाहे, मेरी जिस तरह से रचना करना चाहे, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। चाहे परमेश्वर मुझे भूखा रहने दे, चाहे मुझे प्यासा रहने दे, चाहे मुझे कपड़े ना मिले, चाहे मुझे घर ना मिले, क्या मैं इन सभी बातों के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कोई योजना है, वो कुम्हार की तरह आपको मिट्टी बनाकर आपको कोई अपने लिए उपयोगी पात्र बनाना चाहते हैं, आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन गढ़ने के लिए आप तैयार नहीं, तो फिर परमेश्वर आपको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को गढ़ने के लिए तैयार करो, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।